सबसे पहले आपकी फिल्म के बारे में जानना चाहूंगा, क्या फिल्म है आपकी और क्या नाम है फिल्म का? मेरी हिंदी मूवी है, उसका नाम है एक तरफा, जो वन साइडेड लव, जो आजकल के जो यूथ जो है, जो एक तरफा प्यार में जो अपने आप को जो जिस हिसाब से पीछे पड़ के जो अपनी लाइफ जो यंग जनरेशन ख़त्म करते हैं, और एक ट्रायंगल लव है कि जिसमें कि यूथ को पसंद आएगा, उस हिसाब का बेसिक जो है एक नए कंटेंट के साथ में हम लेके आए हैं ऑडियंस के सामने, जो उन ऑडियंस को बहुत अच्छा भी लगेगा और पसंद भी आएगा, जो यूथ जो युवाओं को प्रभावित करेगा सब्जेक्ट, इस हिसाब का न्यू कंटेंट एक तरफा के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। क्या आपने कहा, जैसे आपने कहा कि बहुत से युवा वन साइड लव में रहते हैं, एक तरफ तरफा प्यार होता है और पीछे लड़कियों के लग जाते हैं, स्टॉकिंग करते हैं ना, जी तो क्या वो कहानी दर्शाती है फिल्म? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो कहानी दर्शाती है। देख लीजिए, आपको देखने के बाद पता चल जाएगी कि जो वन साइडेड लव में किस हिसाब से जो है ना, वन साइडेड लव जो एक लड़की के ऊपर प्यार हो जाता है तो किस हिसाब से वो पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाते हैं, और वो ये नहीं जानते कि उनके पीछे पड़ने के बाद उनका जो एज है, ये जो एज ग्रुप में किस हिसाब से उनका एज मतलब आगे 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 जो कुछ करने का होता है, जो लाइफ में कुछ कर गुजरने का होता है, तो किस हिसाब से वो अपने जो है टाइम बर्बाद करते हैं, वो इसमें एक तरफा में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं आपकी फिल्म एक सोशल मैसेज कैरी करती है, क्योंकि हम वन साइडेड लव की बहुत स्टोरी सुनते हैं कि भाई किसी ने किसी को प्रपोज किया और वो माने नहीं, उसके मुंह पे तेजाब फेंक दिया, और इस तरह के हादसे हिंदुस्तान में होते रहे, तो क्या आपकी फिल्म कोई सोशल मैसेज कैरी करती है? हाँ जी बिल्कुल, मैसेज तो है मूवी में, मैसेज ये है कि जब भी आप वन साइडेड लव करते हो तो सबसे पहले तो आप सोचो कि सामने वाले को वो चीज़ आप उसको पसंद हो कि नहीं हो। अगर आप पसंद हो तो ही सामने वाला आपसे प्यार करेगा, अगर पसंद नहीं हो तो फिर ज़बरदस्ती करके मतलब नहीं, या तो फिर जो तेज़ाब फेंकने का जो ये सब जो होता है, जो चाकू मारना या मर्डर करना, ये गलत है। कभी कभी बार क्या हो जाता है कि कभी लड़की की भी मजबूरी होती है, कभी लड़कों की भी मजबूरी होती है, तो उस चीज़ को समझना चाहे तो जो एक तरफा में दिखाया गया है, जो एक बहुत ही अच्छा मैसेज ऑडियंस को देखने को मिलेगा उसके अंदर। देखिए, एक तरफा मूवी जो है वो उसमें एक मैसेज है जो यूथ के लिए, आप एग्जांपल के तौर पे देखिए, जो कंटेंट आया था टॉयलेट एक प्रेम कथा, जिसमें टॉयलेट के बारे में दर्शाया गया। सेकंड मूवी आई थी पैड मैन, जिसमें महिलाओं के मासिक पारी के बारे में दर्शाया गया। तो वैसे ही जो है ना, एक तरफा मूवी जो है, यूथ जो है ना वन साइडेड लव करके एक लड़की के पीछे जो अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं, तो किस हिसाब से वो अपने पागलपन से गुजरते हैं, और कैसे कैसे क्या क्या कारनामे करके जो अपने आप को मुसीबत में डालते हैं, तो वो मूवी देखने के बाद उनको एक मैसेज ये भी होता है कि भाई वन साइडेड लव करने से जो है ना हमें कोई बेनिफिट नहीं है। तो एक मैसेज उसमें दर्शाया गया है, जो कि आप पिछले जो नए नए अच्छे अच्छे कंटेंट आपने देखे हैं, वैसे एक इसमें यूथ के लिए एक अच्छा कंटेंट है, जो वन साइडेड लव को जो है जो मैसेज देके चला जाएगा। दत्ता जी, म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी फिल्म का, आपकी फिल्म का म्यूजिक के बारे में जानना चाहूंगा। जी, मेरे मूवी में म्यूजिक है कि जो मैंने आजकल के जो इन यूथ को क्या पसंद है, जैसे कि अभी जो बीच में अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आए हैं, जो एल्बम्स आए हैं, जो यूथ को जो है ग्लैमर पसंद है, डांस पसंद है, कभी कभी रोमांटिक सॉन्ग्स पसंद है, जिसमें म्यूज़िक बहुत ही प्यारा हो और जो उनके दिमाग में जो दिलो दिमाग में जो राज करे, वैसा ही मेरे मूवी में जो है ना, हमने बैठ के जो म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ में डिस्कस हमने वही किया है कि भाई जो आजकल का जो म्यूज़िक जो यूथ को जो पसंद है, उसी हिसाब से हमारा जो है ना म्यूज़िक बनना चाहिए। तो वैसा ही एक प्यारा जो म्यूज़िक है, जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर सागर जी ने अपने आप में जो टैलेंट उनके अंदर जो भरा पड़ा है, जो उन्होंने दिखाया है, जो आपको गाने रिलीज़ होने के बाद में पता चलेगा कि म्यूज़िक कितना प्यारा है एक तरफा का। कितने गाने होंगे फिल्म के अंदर? टोटल मूवी के अंदर 3 सॉन्ग्स है, जो एक रोमांटिक सॉन्ग है, दूसरा डीजे वाला है, और तीसरा जो है जो ट्रायंगल का सॉन्ग है, जो बहुत प्यारे हैं। तीनों के तीनों गाने अपने आप में बहुत अच्छे हैं, जो आपको मज़ा आएगा गाने सुनते भी, सुनते समय भी, और डांसिंग के समय भी आपको एक अपने आप को इंजॉय करोगे आप। तो उस हिसाब का म्यूज़िक दिया गया है। ओके, घी का मन को भी आपने लिया है संगीत में, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। हाँ जी, उसमें एक रॉक पार्ट है जो आजकल युवाओं को बहुत पसंद आ रहा है, जो रैप सॉन्ग,
जे उस हिसाब का, तो इसलिए हमने सोचा कि हमारे मूवी में भी जो कि रैपर आना चाहिए कि जो हमारे मूवी के हिसाब से। तो हमने गिरी कमन जी हमारे फ्रेंड भी थे, तो हमने सोचा कि चलो कि गिरी कमन जी को लेते हैं। तो उस हिसाब से जो है वो आने के बाद और भी मतलब वो गाना खिलेगा और अच्छा दिखेगा जो आपको देखने को मिलेगा वो आगे। मुझे लगता है ये हर साल बहुत सारी लव स्टोरीज आती हैं, ट्रायंगल आते हैं। आपकी फिल्म में क्या खास होगा, यू नो, कंटेंट की मैं बात करूं? कंटेंट की बात यही है कि जो वन साइडेड एक ही लड़की के प्यार में पागल होना, एक तरफा प्यार करना, एक ही लड़की के बारे में सोचना, उसके पीछे भागना, अगर वो ना करता है तो फिर कुछ गलत कर देना, तो ये इन सारी चीज़ों से जो है ना मेरे मूवी में मैसेज है। देखने के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं, ये सब गलत है, हमें गलत रास्ता यूज़ नहीं करना चाहिए, कि इसमें जो है ना एक सबक जो है यूथ को समझ में आएगा कि हाँ भाई किस हिसाब से जो है हम सुधर सकते हैं, मूवी देखने के बाद उनको पता चल जाएगा सर। एक तरफा की बात करें तो उसमें सिर्फ लव ट्रायंगल के साथ साथ में कॉमेडी है, सस्पेंस हॉरर भी है, जहाँ पे बहुत डरावना माहौल पैदा करता है कॉन्सेप्ट। उसके बाद कहीं आप देखने के बाद आपको कॉमेडी भी हंसी आएगी कि हाँ वो कॉमेडी सीन्स भी है, उसके बाद लव स्टोरी भी है, उसके बाद एक आत्मा है जो आत्मा, फिर उसके बाद एक मर्डर करने वाला जो इन सारी चीज़ों का, और दूसरी बात व्हाइट टाइगर का डर है उसके अंदर, जो व्हाइट टाइगर के एरिया में हमने शूटिंग की है सिद्धि में, तो जंगल के लिए घूमने के लिए जाते हैं, तो ये तीनों जो है मूवी के अंदर सस्पेंस भी है तो वो देखने को मिलता है। लास्ट में एक मैसेज है जो आपको लास्ट का वो वन साइडेड लव का वो भी पता चलेगा, और सस्पेंस थ्रिलर्स कॉमेडी ड्रामा हर चीज़ आपको एक तरफा में देखने को मिलेगा, जो आप पूरी तरह से मनोरंजित हो जाओगे वो मूवी देखने के बाद। ओके, फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में जानना चाहूंगा सर। स्टार कास्ट कौन है फिल्म की, और उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। देख जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था कि एक तरफा का कंटेंट ही स्टार है। एग्जाम्पल के तौर पे आप पिछली बार आप देखते आए हैं मूवी, बहुत सारे मूवीज़ है, एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए गैंगो पॉसिबल, जिसमें एक जो हीरो आज बहुत ही स्टार बन गया है, आज का बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया है, जिनका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो जो है वो जो कंटेंट ही हीरो था, कंटेंट हीरो होने के बावजूद उन्होंने जो अपना परफॉर्म किया है तो देख लीजिए वो भी उसी में नए थे। तो मेरे इसमें भी सारे न्यू स्टार कास्ट है, तो मुझे भी उम्मीद है कि मेरे भी जो लोग जो हमारे साथ में जो जुड़े हुए जो स्टार है वो भी उन्हीं की तरह उनके जैसे ही परफॉर्म किए तो हो सकता है उनकी तरह ही निकल जाए आगे, ये उम्मीद करता हूँ मैं उनसे। ओके, ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे जब भी आपकी फिल्म रिलीज होती है, क्यों वो आए और फिल्म का हिस्सा बने? देखिए ऑडियंस को मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि देखो ऑडियंस को कॉमेडी पसंद है, उसके बाद सस्पेंस हॉरर जो आजकल के यूथ को जो पसंद है, जो सारी चीज़ें उनको जो अच्छी लगती है, मैं भी कभी कभी ऑडियंस में बैठने के लिए मूवी देखने के लिए मैं चला जाता हूँ, तो जो यूथ को जो पसंद है वही मैंने सोचा कि चलो यूथ के हिसाब से ही हम जो है अपना कंटेंट बनाए, जो कॉमेडी हो, लव स्टोरी हो, ड्रामा हो, सस्पेंस हॉरर थ्रिलर हो, ये सारी चीज़ें जो है उनको एक एंटरटेनमेंट देखी जाएगी, ये मैं डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ओके, कुछ और भी प्लान है आपका, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, या बॉम्बे में कुछ और करने की प्लानिंग है आपकी? गी कमन को लाने वाले हैं आप, उसके बारे में बताना चाहेंगे कुछ? हाँ हमारी और भी प्लानिंग है, जो जिसमें एक रैप सॉन्ग है जिसके लिए हमने गिरी कमन जो हमारे फ्रेंड है उनके लिए हमने बोला है, तो वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो वो भी हमारे इसमें जो है दिखाई देंगे आपको मूवी में। उसके बाद और भी प्लानिंग्स ये है कि अलग अलग एरिया में जाके अपने जैसे महाराष्ट्र में, दिल्ली में, वहाँ के कॉलेजेस, वहाँ के मीडिया रिपोर्टर्स, वहाँ पे जाके इंटरव्यूज़ करना है जो हमारी न्यू स्टार कास्ट को लेके, तो बहुत सारी प्लानिंग्स है, जैसे पीआरस वगैरह हमारे साथ में है, तो वो बहुत आगे चल के हमारी भी हेल्प करेंगे और आगे हम अच्छे से करेंगे।
Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, आपकी फिल्म द ग्रेट लीडर आ रही है, इस पर कुछ रोशनी डालिए। रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।